हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका इस कोर्स में जिसमें हम पढ़ेंगे क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये इस कोर्स का फर्स्ट लेसन है जिसमें हम बात करेंगे इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन की। ओके, और इसे प्रस्तुत करूंगी मैं अंजलि कुशवाहा। सो दिस इज अबाउट मी एंड प्लीज़ इस कोर्स को रेट, रिव्यू, रिकमेंड और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है वर्ल्ड में। ठीक है, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है इसका 5 से 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में इसका विस्तार पाया जाता है। एंड इट एक्सटेंड्स इन अमेजन बेसन ऑफ साउथ अमेरिका, कॉन्गो ज़ायरे बेसन ऑफ अफ्रीका एंड इट ऑल्सो एक्सटेंड्स इन मलेशिया, इंडोनेशियन आइलैंड्स एट्सेट्रा। ओके, सो अगर हम इस फिगर में देखें तो 5 से 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में इसका विस्तार पाया जा रहा है। और अफ्रीका में जो कॉन्गो ज़ायरे बेसिन है, साउथ अमेरिका में जो अमेजन बेसिन हो गया, कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर के हाईलैंड्स, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एट्सेट्रा। अब अगर हम बात करें इसके क्लाइमेट यानी जलवायु क्या है, तो अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो कि इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन की क्लाइमेट क्या है, सो इट इज़ हॉट वेट क्लाइमेट। हॉट क्यों? बिकॉज ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर एंड वेट बिकॉज ऑफ मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर यानी तापमान की। तो इस एरिया में पूरे वर्ष ही तापमान जो है यूनिफॉर्म रहता है, अराउंड 26 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस वजह से विंटर सीजन यहाँ पर नहीं होता है। क्लाउडीनेस एंड हैवी प्रेसिपिटेशन, तो भारी वर्षा यहाँ पर होती है। एंड इन एडिशन देर इज इन्फ्लुएंस ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज, चूंकि यहाँ पर ज़्यादा सीजनल वेरिएशन नहीं होता है, इस वजह से जो इक्वेटोरियल कोस्टल रीजन है तो वहाँ पर लैंड और सी ब्रीज इन का प्रभाव रहता है। एंड डायूर्नल रेंज इज वेरी स्मॉल, तो डायूर्नल रेंज क्या होती है, इट इज़ अ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। मतलब जैसे कि सपोज दैट कोई रीजन है, वहाँ पर हमने मैक्सिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एक ही दिन की बात है, ठीक है। तो जो डायूर्नल रेंज होगा ये मैक्सिमम माइनस मिनिमम टेम्परेचर हुआ, यानी कि 50 - 20 = 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो डायूर्नल रेंज है ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और इक्वेटोरियल रीजन में ये बहुत ही कम होता है, स्मॉल होता है, और इसी वजह से जो एनुअल रेंज है ये भी स्मॉल होता है, ठीक है। अब अगर हम प्रेसिपिटेशन की बात करें, वर्षा, सो जो रेनफॉल है ये बहुत ज़्यादा होती है, भारी वर्षा होती है 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच में, और पूरे वर्ष ही लगभग होती है, 300 दिनों से ज़्यादा दिन तक वर्षा प्राप्त होती है इस क्षेत्र में, ठीक है। मैक्सिमम जो रेनफॉल है ये इक्विनॉक्सेस के बाद होता है इस रीजन में। इक्विनॉक्सेस मतलब कि विषुव, जैसे जो शरद, जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स है, और ठीक है, और जो शरद विषुव है यानी कि अप्रैल अक्टूबर के बाद। तो विषुव का मतलब या इक्विनॉक्स का मतलब सिंपली होता है कि वह फिनोमेना जब सूर्य इक्वेटर पर परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर के टाइम ये होता है, और इसमें इस इक्विनॉक्सेस के बाद मैक्सिमम रेनफॉल पाई जाती है इस रीजन में। और मिनिमम रेनफॉल जो है वो सोलस्टाइसिस के समय होती है। सोलस्टाइस यानी कि ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत, तो ये बेसिकली जून और दिसंबर के टाइम, ठीक है, तो इस समय मिनिमम रेनफॉल, क्योंकि सोलस्टाइस का मतलब होता है कि जब सूर्य कर्क और मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, ठीक है। ड्यू टू ग्रेट हीट इन इक्वेटोरियल बेल्ट्स मॉर्निंग्स आर ब्राइटर एंड सनी, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है यूपीएससी में। सो तो चूंकि यहाँ हीट, हम जानते हैं हीट सरप्लस रीजन है, ठीक है, तो हीट बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्राप्त होती है, इस वजह से जो मॉर्निंग है वो ब्राइटर होती हैं और सनी होती हैं, ठीक है। सो दिस रीजन एक्सपीरियंस कन्वेक्शनल रेनफॉल एंड 4 PM रेनफॉल इसे बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम जानते हैं हीट सरप्लस रीजन है, बहुत ज़्यादा हीट प्राप्त होती है, और इस वजह से यहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। इवेपोरेशन यानी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है, ये इनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो क्लाउड फॉर्मेशन के बाद फिर उसमें प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मतलब इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्लाउड फॉर्मेशन, फिर प्रेसिपिटेशन, इस वजह से बहुत ज़्यादा होता है, हैवी रेनफॉल होती है। तो बेसिकली मॉर्निंग में क्या होता है, मॉर्निंग में इसमें इवेपोरेशन होता है, और इवनिंग में 4 बजे के आसपास प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल होती है, ठीक है, इसीलिए इसे 4 PM रेनफॉल भी कहते हैं। एंड रेनफॉल अकर्स थ्रू क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स विच कम्स विद अ थंडरस्टॉर्म, तो जो रेनफॉल होती है बेसिकली ये कपासी वर्षी मेघ है तो इनसे होती है, और थंडरस्टॉर्म के साथ आती है। अब अगर हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करें, जो यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो यहाँ पर एवरग्रीन टाइप ऑफ वेजिटेशन पाई जाती है, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं, ओके, और अमेजन बेसिन में इसे सेलवास भी कहते हैं। तो एवरग्रीन इसे फॉरेस्ट क्यों कह रहे हैं, एवरग्रीन यानी सदाबहार,
तो चूंकि ये जो पूरा एरिया है बहुत डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रीज यहाँ पर बहुत डेंस होती हैं, तो इस वजह से हर पर्टिकुलर रीजन जो है हर सीज़न में अपनी पत्तियां गिरा देगा। जैसे मान लीजिए एक पोर्शन ट्रीज़ के एक पोर्शन ने एक सीज़न में अपनी पत्तियां गिराए, ठीक है, और दूसरा पोर्शन जो होगा वो दूसरे सीज़न में अपनी पत्तियां गिराएगा। तो इस वजह से जब भी हम टॉप से देखते हैं तो ये हमेशा सदाबहार टाइप के दिखते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरा इतना ज़्यादा डेंस है ये। और ओके, सो दीज ट्रीज यील्ड हार्डवुड। तो ये जो पेड़ हैं इनकी बेसिकली हार्डवुड होती है, जैसे महोगनी, एबोनी, हाँ, और जैसे जो चंदन हो गया, रबर, सिनकोना और रोजवुड। सो ये चीज़ें सारी हैं, हार्डवुड्स हैं। और वी हैव थिक कैनोपी कवर फॉर सनलाइट डजेंट इवन रीच ग्राउंड लेवल। तो यहाँ पर थिक कैनोपी कवर होता है जहाँ पर जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश, वो ज़मीन तक पहुँच नहीं पाता है। इस वजह से यहाँ पर काफ़ी घना अंधेरा भी छाया रहता है। और जो ट्रीज़ हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्रीज़ हैं तो आपस में कंपीट करती हैं सनलाइट के लिए, और इस वजह से काफ़ी इनकी हाइट बढ़ा लेते हैं ये लोग, ठीक है, ये सारे पेड़। और इस वजह से इनकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत ऊंचे पेड़ होते हैं, और बीच बीच में भी इसमें जो लताएं वगैरह होती हैं पेड़ों को आपस में बांधे रखती हैं। मल्टीपल स्पीशीज़ आर फाउंड, यहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं पेड़ों की भी और जीव जंतुओं की भी। तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ये कमर्शियली वायबल नहीं है, क्योंकि क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि काफ़ी डेंस फॉरेस्ट होते हैं, तो इस वजह से जो लकड़ी चाहिए होती है उसे प्राप्त करना काफ़ी कठिन होता है। और अगर प्राप्त भी कर ली तो ये हार्डवुड इतना ज़्यादा होता है, महोगनी है, बोनी और सिनकोना वगैरह, ठीक है, तो इतना ज़्यादा हार्डवुड होता है, तो इसलिए वुड कटिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पर इतनी डेवलप नहीं हो पाती, अंडर डेवलप्ड रहती हैं। और पेड़ भी जो है इतने बड़े होते हैं कि इनका ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी कठिन होता है, लकड़ियों को ले जाना, ठीक है, इतना ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ जो हैं वो कैसे ले जाएगा जो बड़े बड़े लट्ठे होते हैं, ठीक है। इसी के साथ ही जैसे एक ही प्रकार के जो वृक्ष हैं तो वो भी ग्रुप में नहीं मिलते हैं, कहीं पर कोई वृक्ष है, कहीं पर कोई वृक्ष। और यहाँ पर स्पीशीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, मतलब एक एकड़ में करीब 200 से ज़्यादा स्पीशीज़ मिलेंगी। ओके, सो लेकिन अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस वजह से इन्हें काटा जा रहा है, अब पूरा रेन फॉरेस्ट ही साफ किया जा रहा है, जैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट, यहाँ पर रबर प्लांटेशन, ठीक है, और किया जा रहा है ब्राज़ील में शुगर प्लांटेशन। तो ये सारी चीज़ें, इसी के साथ साथ जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर ऑयल रिजर्व भी पाए गए हैं, इस वजह से भी इन्हें काटा जा रहा है ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए। और जो अमेजन जो हमारे रेन फॉरेस्ट हैं वो वर्ल्ड्स लंग हैं, जो ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, जो इसी के साथ जो इक्वेडोर का यासुनी नेशनल पार्क है एक, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एंडेंजर्ड है क्योंकि तो उसे भी काटा जा रहा है। अब लाइफ इन इक्वेटोरियल रीजन्स, तो इसमें आप देख सकते हैं स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर हो नहीं सकता, इतना ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, तो फूड की कमी रहती है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। और जो कुछ बहुत लोग रहते भी हैं तो बेसिकली वो शिकारी या कलेक्टर्स, हंटर्स या कलेक्टर्स रहते हैं, ठीक है, एंड मोर एडवांस्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड। तो यहाँ पर जो झूम खेती है, स्थानांतरणशील कृषि, तो बेसिकली वही प्रैक्टिस की जाती है, जो फॉरेस्ट है उन्हें साफ करके, ठीक है, जलाकर उन्हें साफ करके तब थोड़ी बहुत कृषि की जाती है, जो वहाँ की जो ट्राइब्स हैं, ठीक है, वो करती हैं। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने पर ये जो मेज़ है, मक्का, बनाना, ठीक है, इस तरह की फसलें उगाते हैं ये लोग। तो जब यूरोपियंस की एंट्री हुई थी इस रीजन में, तब जो नेचुरल रबर है ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई थी और अभी भी है, मतलब जो मलेशिया और इंडोनेशिया है ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ रबर हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा, मतलब ये कह सकते हैं कि विश्व का जो 90% रबर का उत्पादन है वो इन्हीं क्षेत्रों से एक तरह से आता है। और यहाँ पर इसके अलावा और भी फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कोकोनट, शुगर, टी, कॉफ़ी, टोबैको, स्पाइसेस, बनानास एंड पाइनएप्पल आर मोस्टली ग्रोन। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।